निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल बिल्कुल आपकी स्टिंग और मैंने उसी फोन पे आज प्रसंज्ञान लेते हुए मैं आज अस्पताल आया हूँ और इस बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह का खेल चल रहा है। सरकारी बिल्डिंग में जो भी यहाँ दुकान लगा के बैठा था अभी आज पीएमओ मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। हर हाल में ये संगीन अपराध है और जनता के साथ खिलवाड़ है। और राज्य सरकार की जो सोच है गरीबों को निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना, गरीबों का इलाज निःशुल्क करना, उस पर पलीता लगाना है। सीधा सीधा ये डिपार्टमेंट के लोग, ये डॉक्टर्स, ये जिम्मेदार अधिकारी जितने भी हैं, इन सबको सोचना चाहिए सरकार की सोच क्या है और हम क्या कर रहे हैं धरातल पर। और निश्चित रूप से इस बात पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और मैं ये बात आज सीएम साहब तक पहुँचाऊँगा, माननीय मंत्री रघुजी शर्मा तक पहुँचाऊँगा, ताकि ये खुलासा हो कि ये व्यवस्थाएँ कौन चला रहा है, इसको कौन अंजाम दे रहा है, क्यों ये इस अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है। मैं कोशिशें कर रहा हूँ लगातार कि मेरे शहर के भामाशाह इस अस्पताल को और अच्छे से अच्छा करें। अभी विगत दिनों में आपको पता हो 2 करोड़ रुपए मैंने लोगों से लेकर इस अस्पताल को ठीक करने का प्रयास किया। बावजूद इसके अगर ऐसी स्थितियाँ सामने आती है तो लोगों का मन खराब होगा, मुझे कौन पैसा देगा, कौन इस अस्पताल को अच्छा करना चाहेगा जहाँ पर लूट मची हुई है। ये बहुत बड़ी गलती है और ये कभी किसी दिन जेल जाना पड़ सकता है इनको। वो बच्चा अगर ज़्यादा बीमार हुआ और घर पे अगर उसकी कोई भी किसी भी तरह की अनहोनी हो गई तो ये अस्पताल प्रशासन पूरा जेल जाएगा अगर इस तरह की बात है। तो मैं आज ही इस पर भी प्रसंज्ञान लूँगा। मैं पीएमओ साहब को बुलाया है मैंने अभी यहाँ पे और मैं इनसे पूरी जानकारी ले रहा हूँ, इस बिल्डिंग को पूरा चेक कर रहे हैं और जो भी डॉक्टर यहाँ इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं आज ही एक्शन लेंगे। निश्चित रूप से इस पर आज एक्शन होगा और भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जिस तरह से राज्य सरकार की सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी सोच है, उसके अनुरूप हम उसी तरह से काम करने का इनको जिम्मा देंगे।